क्लास के जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर की वीडियो में हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया था और ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट किया था। तो फर्स्ट मेथड वन सिंपल मेथड था, तो आज हम मेथड टू में एक्सपेंशन मेथड करने लगे हैं। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे फर्दर एग्जाम्पल दी थी आप लोगों ने वो कर ली होंगी। मेरी जो मैंने एग्जाम्पल करवाई थी 5 से 6 एग्जाम्पल जो करवाई थी और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं अपने मेथड नंबर टू की तरफ जो कि एक्सपेंशन मेथड है। स्टूडेंट्स एक्सपेंशन मेथड में अब किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो कह रहा है स्टूडेंट्स कन्वर्ट 1110.11 डेसिमल नंबर है यानी कि 2 बेस टीचर दी गई है। इसका मतलब सो क्या इसका नंबर क्यों है क्या है बाइनरी नंबर है। अब इनटू डेसिमल 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 से मुराद किसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास बाइनरी नंबर है जिसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है यानी कि एक्सपेंशन मेथड से मुराद कि मैंने इसको क्या करना है पॉइंट के बाद वाला स्टूडेंट जो नंबर होता है ना अब इसको मैंने पॉइंट को क्या लिखना है ये चीज माइनस में चल जाती है। अब ये 1 है 1 मैंने एज इज लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है आप मल्टीप्लाई का भी साइन डाल सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स समझाने के लिए आपको लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ लग सके। यहां पे भी मल्टीप्लाई का साइन एंड देन इधर भी मल्टीप्लाई का साइन वो ब्रैकेट भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होती है। अब मैंने क्या किया जहां से स्टार्ट होना है लास्ट से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब जहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है अभी कितनी रेस्ट में पेशिंग है स्टूडेंट्स ये हमें पता लग रहा है 2 रेस्ट में नंबर पेशिंग है। तो मैंने क्या किया कि ये -2 आ गया -2 इसके ऊपर और ये -1 आ गया यानी कि नेगेटिव फॉर्म में जा रही है पॉइंट के बाद तो -2 -1 आ गया। अब यहां से एक्चुअल में 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 0 से स्टार्ट होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हम क्या लिखते हैं 0 स्टार्टिंग में लिखते हैं उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो मैंने किया था इसको किया था तो 0 के बाद 1 उसके बाद 2 यानी कि उसके बाद 3 यानी कि 2 के ऊपर मैंने पावर लगा दी है 1 2 3 यानी कि हम स्टूडेंट 0 1 2 1 2 से स्टार्ट करते हैं जो नेगेटिव में है वो मैंने नेगेटिव में आप लोगों को बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है 1 अब ये जान यहीं से स्टार्ट करते हैं हमेशा तो 1 मल्टीप्लाई बाय अब ये 2 नीचे जाके क्या हो गया माइनस का था तो नीचे जाके प्लस का हो गया प्लस ये भी माइनस का था 1 तो नीचे जाके 1/2 प्लस का हो गया उसके बाद प्लस अब 2 की पावर 0 यानी कि 1 की पावर 0 तो क्या होता है 1 ही होता है 2 की पावर 0 वो भी 2 होता है। अब एक्स की पावर 0 तो क्या होता है ये मेरे पास स्टूडेंट ये भी 1 ही होता है तो ये किसी भी चीज की पावर अगर 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होता है 1 होता है सिर्फ समझाने के लिए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे मैंने क्या लिखा आप लोगों को बता रहा हूं कि 2 की पावर 0 क्या आती है तो 1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 उसके बाद 2 की पावर 1 2 को 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 उसके बाद प्लस 2 की पावर स्क्वायर है 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 आ जाएगा उसके बाद 1 ऐसे ही आ जाएगा उसके बाद स्टूडेंट 2 की पावर 3 है 2 का 4 4 3 8 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे ही आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मैंने यहां पे क्या करना है 1 2 की पावर स्क्वायर है तो अगर ये 1 2 की पावर स्क्वायर है 1 बाय 2 ये क्या हो जाएगा 2 2 का 4 1 बाय 4 आ जाएगा। अब ये चीज यहां पे चल रही है ये इक्वल का साइन है आप लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना 1 बाय 4 आ जाएगा उसके बाद प्लस 1 बाय 2 आ गया प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा उसके बाद प्लस 2 1 का 2 एंड देन प्लस 4 1 का 4 एंड देन प्लस 8 1 का 8। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। हम आगे फर्दर करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.25 प्लस 1 बाय 2 को जब डिवाइड करूंगा तो 0.5 अब प्लस 8 में 4 ऐड किया तो क्या होता है 12 12 में 2 ऐड किया तो होता है 14 14 इधर आ गया अब 14 में दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो 14
स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंसिव मेथड के साथ और इसकी हमने किस में कन्वर्ट किया है डेसिमल में, तो स्टूडेंट्स मैंने बेस लगा दी डेसिमल की, डेसिमल की बेस क्या होती है 10 होती है, तो यहीं पे मेरा एग्जांपल एक सॉल्व हो जाती है जो कि एक्सपेंसिव मेथड के साथ मैंने बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया। बाइनरी की क्या बेस थी, 2 बेस थी जिसमें 0 और 1 थे, आपको पता है बाइनरी की बेस 2 होती है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल के अंदर। आए हम चलते हैं स्टूडेंट्स अब अगली फर्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि कन्वर्ट 0b9.4c। अब जहां पे भी b का वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में b a b c अल्फाबेटिकल अल्फाबेट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 0b9.4c ये इसकी बेस भी उसने नीचे मुझे दी हुई है 16 से मुझे पता लग रहा है कि ये हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, अब इनको डेसिमल इसको मैंने डेसिमल में करना है इसको 10 की बेस में करना है, तो 10 की बेस में स्टूडेंट्स कैसे करूंगा अगेन। अब सी में आप लोगों को पता है हेक्साडेसिमल में क्या चीज स्टोर होती है, स्टूडेंट सी में मेरे पास 12 स्टोर होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट जो सी है उसमें क्या स्टोर है नंबर कौन सा स्टोर है 12 स्टोर है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी कि उसके बाद अब यहां पे कितने डेसिमल प्लेसिंग है, यहां पे 2 डेसिमल प्लेसिंग है, डेसिमल प्लेसिंग का हमें कैसे पता लगता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर आते हैं वो वहां से हम अंदाजा लगाते हैं एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा नहीं बल्कि कंफर्म हम बताते हैं कि ये डेसिमल प्लेसिंग इसकी 2 डेसिमल प्लेसिंग है, अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो इसकी 4 डेसिमल प्लेसिंग है, पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर है तो स्टूडेंट्स इसकी 3 डेसिमल नंबर प्लेसिंग है। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं स्टूडेंट्स आपको ये सी है, सी की वैल्यू मेरे पास हेक्साडेसिमल में क्या स्टोर होती है 12 होती है, अब 12 मल्टीप्लाई बाय 16 किया आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय 16 किया। अब क्योंकि हम हेक्साडेसिमल से देते हैं ना, अब यहां पे क्या है ये पूरा जो प्लेसिंग है माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर है, जिस तरह से हम सबने ऊपर किया था माइनस 2 उसके बाद माइनस 1 अब प्लस, अब जब 9 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ प्लस बी, यहां पे बी देखा जाए स्टूडेंट्स बी में क्या नंबर स्टोर होता है 11 होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 उसके बाद स्टूडेंट जहां से 0 से स्टार्ट हो गए 0 1 2 अब यानी कि पॉइंट के बाद वाला स्टूडेंट जो नंबर है वो मेरे पास किस फॉर्म में जाता है, मैंने आप लोगों को बताया कि 2 डेसिमल प्लेसिंग थी तो -2 और -1 उस फॉर्म में आ गया उसकी पावर एंड एंड जब एक्सपेंशन मेथड से कर रहे हैं तो एक्सपेंशन मेथड में हम 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 और 2। अगर स्टूडेंट देखा जाए अब ये 12 है जब ये 16 नीचे जाएगा 12 के नीचे तो ये उसकी पावर -2 है तो क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी, प्लस 4 है इसकी पावर जब नीचे जाएगी तो खाली 16 की पावर -1 थी तो खाली पावर 16 की पावर नीचे जाती क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 9 आ जाएगी जी आ गया 16 की पावर 0 है तो 16 की पावर मैंने आप लोगों को बताया किसी भी नंबर की कोई भी पावर 0 तो वो क्या डिक्लेयर कहलाता है वो 1 ही आएगा स्टूडेंट, जहां पे 1 ही आएगा उसके बाद प्लस 11 आ जाएगी जी आ गया 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा 16 उसके बाद प्लस उसके बाद 0 आया थी आ गया 16 का मैं स्क्वायर लूंगा तो स्टूडेंट सिर्फ यहां पे अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं कि मिस्टेक क्या किसी चीज की करते हैं स्टूडेंट 16 का स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स करते हैं 16 1 16 और 16 2 16 इस तरह से 16 2 32 यानी कि ये मिस्टेक कर देते हैं। अब यहां पे क्या होना है अगर 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है यानी कि 16 1 16 फिर अगेन जो 16 आंसर आता है उसको अगेन मैंने 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, जब तक मैं 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास 256 आएगा, उसके बाद 12 ओवर 16 स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 256 प्लस 4 1 4 4 4 16 1/4 आ गया प्लस अब 9 1 9 प्लस 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा प्लस 256 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स 0 प्लस 176 प्लस 9 प्लस 1 को 4 के साथ डिवाइड किया 0.25 एंड देन प्लस 12 को 256 के साथ डिवाइड किया तो 0.046875 स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि पॉइंट के बाद आपने 4 डेसिमल प्लेसिंग को लाजमी लिखना है, अगर 4 डेसिमल प्लेसिंग को नहीं लिखते तो या राउंड करके लिख दिया वो भी ठीक है लेकिन आपने 4 डेसिमल प्लेसिंग लिख देना है कोशिश करनी है ताकि आपका आंसर ठीक आए, उसके बाद 0.046875 = अब स्टूडेंट जब इन सबकी वैल्यू को आप ऐड करेंगे वैल्यूज को तो मेरे पास क्या आंसर आएगा मेरे पास 185.296875 यानी कि इसकी बेस का होगी 10 होगी, मैंने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं
आपको ये वीडियो बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी होगी। इसकी सेंटर वाली एग्जांपल पार्ट टू की एग्जांपल आप लोगों का स्टूडेंट्स फॉर्म टास्क है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।